तो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन के एक और नए वीडियो में। तो गाइस, ऐसा आपने जर्नी में बहुत सारे पोकेमॉन को कैच किया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा आपने सिर्फ एक ही पोकेमॉन को मेगा एवोल्व किया है, जो कि है मेगा लुकारियो। लेकिन ऐस के पास और भी इसके अलावा और भी पोकेमॉन थे जो कि ऐस मेगा एवोल्व कर सकते थे, लेकिन उस पोकेमॉन को वो सभी पोकेमॉन को ऐस मेगा एवोल्व नहीं करते हैं, लेकिन वो सभी पोकेमॉन मेगा एवोल्व हो सकता था। इसी वजह से आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं ऐस के सभी वो सभी पोकेमॉन जो कि मेगा एवोल्व हो सकता था। तो हाँ यार, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में अमेजिंग और यूनिक होने वाले। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट जरूर करना। एंड अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, स्टार्ट करते नंबर वन के साथ। नंबर वन पिजीवॉट। पिजीवॉट 8 फ्लाइंग और नॉर्मल टाइप के रीजनल बर्ड पोकेमॉन है जो कि कैंटो रीजन से बिलोंग करते हैं। वेल, एस के पिजीवॉट एस का सेकंड पोकेमॉन था जो कि उसने कैच किया था। वेल, पिजीवॉट मेगा एवोल्व हो सकते हैं मेगा पिजीवॉट में, जिसमें जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाता है। लेकिन एस अपने पिजीवॉट को मेगा एवोल्व नहीं करते है अपने जर्नी में, बल्कि इसको रिलीज कर देता है जब वो पिजीवॉट से पिजीवॉट में इवॉल्व होते है। लेकिन अभी के टाइम पे पिजीवॉट फिर से रिटर्न कर चुका है, जो कि पोकेमॉन M2B पोकेमॉन मास्टर सीरीज के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 11 में रिटर्न करे थे और परमानेंटली के लिए इसकी टीम को रीजॉइन भी कर चुका है। तो हाँ, पिजीवॉट भी इसका ऐसा पोकेमॉन है जो कि मेगा एवोल्व हो सकते थे। और नंबर टू ब्रिडिल। ब्रिडिल एक नॉर्मल और बाघ टाइप के पोकेमॉन है जोटो रीजन से, एंड एस इसको कैच करते और एस अपने ब्रिडिल को कैच करते हैं जोटो रीजन में ही, जो कि बग कैचिंग कंपटीशन में कैच किया था। लेकिन एस जैसे ही ब्रिडिल को कैच करते हैं कृषि नाम के ट्रेनर को दे देता है, क्योंकि उसको येलो स्ट्राइक वाले पोकेमॉन पसंद थे। और ब्रिडिल मेगा एवोल्व हो सकते हैं मेगा ब्रिडिल में, जिसके जाने के बाद एक डिसेंट पोकेमॉन ही होते है। लेकिन फिर वो एस को अपने ब्रिडिल को नहीं देना चाहिए था और इसको मेगा एवोल्व करना चाहिए था, लेकिन एस इसको भी मेगा एवोल्व नहीं किया। तो हाँ, ब्रिडिल भी एस का ऐसा पोकेमॉन है जो कि मेगा एवोल्व हो सकता था। और नंबर थ्री हेराक्रॉस। हेराक्रॉस बग और फाइटिंग टाइप की स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जेनेशन 2 जोटो रीजन से, और हेराक्रॉस इसका पहला पोकेमॉन था जो कि उसने जोटो रीजन में कैच किया था। और हेराक्रॉस मेगा एवोल्व हो सकते हैं मेगा हेराक्रॉस में, जिसमें जाने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाता है। लेकिन बाकी पोकेमॉन की तरह एस हेराक्रॉस को भी मेगा एवोल्व नहीं किया था। वेल, हेराक्रॉस का जो मेगा एवोल्यूशन है वो काफी ज्यादा कूल है। तो हाँ, हेराक्रॉस भी एक ऐसा पोकेमॉन था जो कि मेगा एवोल्व हो सकता था एंड स्ट्रॉन्ग भी था। और नंबर फोर बल्बसोर। बल्बसोर एक पॉइजन और ग्रास टाइप की स्टार्टर पोकेमॉन है जैसे 1 कैंटो रीजन में। वेल, एस का बल्बसोर इसका पहला पोकेमॉन था जो कि ग्रास टाइप पोकेमॉन था, जो कि उसने कैंटो रीजन के एपिसोड में कैच किया था। वेल, बल्बसोर तो मेगा एवोल्व नहीं हो सकता, लेकिन बल्बसोर के फाइनल एवोल्यूशन यानी कि वीनासोर मेगा एवोल्व हो सकता है मेगा वीनासोर में, जिसमें जाने के बाद एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाता है। वेल, हमें ये बात तो पता है कि बल्बसोर इवॉल्व नहीं होना चाहते और बल्बसोर के फॉर्म में ही रहना चाहते है, लेकिन अगर बल्बसोर इवॉल्व होकर आईवीसोर फिर इवॉल्व होकर वीनासोर बनते तो और भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाता, क्योंकि बल्बसोर के फॉर्म में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। एंड एस उसको अगर मेगा एवोल्व करता तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाता है, जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनता। तो इसी बात से हम मान सकते हैं कि बल्बसोर भी ऐसा पोकेमॉन है जो कि मेगा एवोल्व हो सकते थे वीनासोर में एवोल्व होने के बाद। और नंबर 5 स्क्वाटल। स्क्वाटल एक प्योर वाटर टाइप की स्टार्टर पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से, एंड स्क्वाटल एस का पहला वाटर टाइप पोकेमॉन था जो कि एस के कैंटो रीजन में कैच किया था। और स्क्वाटल भी बल्बसोर के तरह ही है जो कि मेगा एवोल्व नहीं हो सकता है, लेकिन इसका जो फाइनल एवोल्यूशन है जो कि ब्लास्टोइज वो मेगा एवोल्व हो सकता है मेगा ब्लास्टोइज में। इसी वजह से एस को अपने स्क्वाटल को पहले वाटर टाइप फिल ब्लास्टोइज में इवॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ब्लास्टोइज इवॉल्व होगा मेगा ब्लास्टोइज में, जिसमें जाने के बाद सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाएगा, जो कि हम इसका पावर लेवल एनिमे में देखा है। लेकिन एनिमे स्क्वाटल भी नहीं हुआ था, तो अगर स्क्वाटल फाइनल एवोल्यूशन चला जाता तो मेगा एवोल्व हो सकता था। तो इस वजह से स्क्वाटल भी ऐसा पोकेमॉन है एस का जो कि मेगा एवोल्व हो सकते थे। और फाइनली नंबर 6 चार्जर्ड। चार्जर्ड एक फ्लाइंग और फायर टाइप के स्टार्टर पोकेमॉन है जैसे 1 कैंटो रीजन में। वेल, चार्जर को एस अब चार्मांडर के फॉर्म में कैच किया था, लेकिन आगे जाकर ये पोकेमॉन 4 मिलियन एंड फाइनली इवॉल्व हो जाता है चार्जर में। और अब चार्जर के फॉर्म में चार्जर 2 मेगा एवोल्यूशन में इवॉल्व हो सकते हैं, जो कि मेगा चार्जर वाई एंड मेगा चार्जर एक्स, जिसमें से मेगा चार्जर एक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसको मेगा एवोल्व करना चाहते हैं मेगा चार्जर एक्स में, जिसमें जाने के बाद सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाता है। इसका पावर लेवल हमने देखा है एनिमे में, लेकिन एस अपने चार्जर को मेगा एवोल्व नहीं करता है, लेकिन चार्जर भी अपने फॉर्म में रहकर ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। तो इसी वजह से चार्जर भी ऐसा पोकेमॉन है जो कि मेगा एवोल्व हो सकता था, लेकिन एस इसको भी मेगा एवोल्व नहीं किया था। वेल, तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट जरूर कर देना। तो फिर दोबारा मिलेंगे एक और ऐसी ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।